जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके नाम के प्रथम अक्षर का काफी महत्व होता है। नाम के प्रथम अक्षर से उस व्यक्ति के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि डी नाम वाले प्रेम संबंध में कैसे होते हैं, इनके अंदर प्रेम संबंध को लेकर किस तरह के विचार चलते रहते हैं, इनका किस तरह का स्वभाव होता है। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। डी नाम वाले लोग जल्दी ही किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, बहुत ही कम धोखा देने वाले होते हैं, भावुकता ज़्यादा होती है, मदद करने वाले होते हैं, जल्दी किसी की भी मदद कर देते हैं और वर्तमान में जीने वाले जल्दी ही आकर्षित हो जाते हैं। ये अपने को अकेला समझते हैं, रोते बहुत जल्दी हैं, दूसरे के दुख में बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। ये लोग आसानी से किसी के विचारों को पढ़ सकते हैं, यानी सामने वाले व्यक्ति के विचार पढ़ सकते हैं, यानी उसके मन में क्या चल रहा है ये पढ़ सकते हैं। दिखावा नहीं करते हैं, इनसे कोई चालाकी करे तो ये चालाकी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगर एक बार किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो फिर उस पर हमेशा भरोसा करते हैं। कल्पनाशील होते हैं और चतुर बुद्धि वाले होते हैं, स्वभाव से कला प्रेमी होते हैं, नई नई चीज़ें सीखने के शौकीन होते हैं और संगीत तथा साहित्य में भी रुचि रखते हैं, आत्मविश्वास के धनी होते हैं, दूसरों की भलाई के कार्य करते रहते हैं। प्रेम के मामले में इनकी एक बात अच्छी होती है जिससे प्रेम करते हैं, ज़्यादातर डी नाम वाले सच्चा प्रेम ही करते हैं। ज़्यादातर प्रेम के मामलों में ये लोग जीवन भर उस व्यक्ति का साथ निभाते हैं। इन लोगों के अंदर अनेकों रहस्य छिपे होते हैं, दयालु प्रकृति के होते हैं और दूसरों के सुख दुख में शामिल होते हैं। ये भले ही परेशानी में हों लेकिन अपनी परेशानी दूसरों को नहीं दिखाते और दूसरे को परेशान नहीं देख पाते हैं। इनमें गजब की सहन शक्ति होती है, इमोशनल होते हैं, लंबे संबंधों के लिए जाने जाते हैं, बेहतरीन मित्र होते हैं और अपने प्रेमी प्रेमिका से भी उसी तरह के प्रेम की उम्मीद करते हैं, आशावादी और रोमांटिक होते हैं। ये अगर आपके लिए कुछ भी करते हैं तो उसके बदले में उम्मीद नहीं करते हैं, उनके कार्य की प्रशंसा की जाए ऐसा भी नहीं सोचते हैं। एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में अपने साथी का ख्याल रखने वाले होते हैं, अपने साथी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब कभी भी इनके साथी को इनकी ज़रूरत महसूस होती है मौजूद रहते हैं, फिर चाहे भावनात्मक सहयोग की बात हो या मानसिक तौर पर साथ देने की बात हो, ये अपने साथी को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। बेहद कोमल और व्यवहारिक होते हैं, बहुत जल्दी मित्र बना लेते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, बाणी मधुर होती है और कोमल हृदय होता है, इसलिए बहुत जल्द दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं। रोमांटिक होने के साथ साथ दयालु और परोपकारी भी होते हैं, किसी की मदद इनका स्वाभाविक गुण है। अपने जीवन साथी पर भरोसा करते हैं और उसे बहुत प्रेम भी करते हैं। प्रेम में किसी प्रकार का प्रदर्शन पसंद नहीं है, जीवन साथी के सुझावों को प्राथमिकता देते हैं। रोमांटिक उदार, विनम्र और दयालु होते हैं, स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, किसी पर निर्भर हुए बिना अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं और जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसके प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं और आमतौर पर रिश्ते में विनम्र साथी होते हैं। प्रेम के मामले में बेहद संवेदनशील होते हैं, सदैव यही चाहते हैं कि जो इनसे प्रेम करे वो इनसे ज़्यादा प्रेम करे। प्रेम के बिना जीवन की कल्पना इनको अधूरी लगती है। प्रेम में कभी कभी ये प्रेम में ज़्यादा ही पड़ जाते हैं। इनकी बहुत बड़ी खूबी होती है कि एक बार अगर पूरे दिल से जुड़ गए तो आसानी से अलग नहीं होते हैं। इनका साथी भी इनके साथ प्रेम में हर एक क्षण को पूरी तरह से जीता है। डी नाम वाले आदर्श प्रेमी होते हैं और कल्पनाशील भी होते हैं, प्रेम का प्रदर्शन भी करते हैं और सच्चे प्रेम की तलाश में रहते हैं और प्रेमी और प्रेमिका के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं। भावुक प्रेमी होते हैं, प्रेम के रिश्ते के मामले में डी नाम वाले ईमानदार और परवाह करने वाले होते हैं। अगर प्रेम संबंध की बात की जाए तो अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, प्रेमी प्रेमिका को आवश्यकता से अधिक प्रेम देने वाले होते हैं। इसलिए जब भी अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ होते हैं दिल की गहराइयों से उस समय का आनंद लेते हैं, उत्साही होते हैं और प्रेमी प्रेमिका के साथ अपने प्रेम बंधन को एक सच्चा बंधन महसूस करना चाहते हैं। डी नाम वालों के जब कभी प्रेम संबंध की बात होती है तो ये ईमानदारी पर बहुत जोर देते हैं और चाहते हैं कि इनका प्रेमी प्रेमिका सिर्फ इनका ही हो और ये अपने प्रेमी प्रेमिका को एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो इनके लिए जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं और प्रेमी प्रेमिका के अतिरिक्त शायद ही कोई बात हो जिसमें इनकी सबसे ज़्यादा रुचि रहती हो। प्रेम जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसे ये मुश्किल समझ सकें। इनके पास प्रेम संबंध के लिए हर समस्या का हल मौजूद होता है।
प्रेम संबंध में प्रेमी प्रेमिका से कुछ भी नहीं छुपाते हैं, जैसा महसूस कर रहे होते हैं उसे बता देते हैं। अपनी भावनाओं को अपने प्रेमी प्रेमिका से अपनी प्रेमी प्रेमिका के समक्ष सरलता से जाहिर कर देते हैं, क्योंकि संबंधों में पारदर्शिता रखना चाहते हैं। प्रेमी प्रेमिका को समय समय पर कोई उपहार भी ये दे सकते हैं, साथ ही कभी कभी उसकी प्रशंसा भी ज़्यादा करते हैं। और इस तरह से देखा जाए डी नाम वाले प्रेमी प्रेमिका के समक्ष खुलकर पेश आते हैं। ठीक वैसा ही ये अपने लिए भी चाहते हैं, अपने प्रेमी प्रेमिका से भी अपेक्षा रखते हैं। प्रेमी प्रेमिका के साथ बातचीत होते रहना इनको खास प्रिय होता है, इसलिए शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जब ये अपने प्रेमी प्रेमिका से बात ना करते हों। तो कुछ इस तरह के डी नाम वाले हो सकते हैं, कुछ इस तरह का उनका स्वभाव हो सकता है। तो मित्रों, आज मैंने आपको डी नाम वाले प्रेम संबंध में कैसे होते हैं, इनका स्वभाव किस तरह का हो सकता है, इसके बारे में संक्षिप्त में कुछ चर्चा की। ये डी नाम वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म राशि और जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।